बाड़ा में तस्कर व नारकोटिक्स विभाग की टीम आमने सामने हुई है। तस्करों ने नारकोटिक्स टीम पर फायरिंग की, दोनों तरफ से ही फायरिंग की बात सामने आ रही। नेशनल हाईवे 758 पर चावड़िया चौराहे के पास की एक घटना है। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। नारकोटिक्स टीम ने पुलिस को भी नहीं दी कार्रवाई व फायरिंग की सूचना। दो तस्करों को डिटेन करने की यहाँ पर जानकारी मिल रही है। दो तस्करों को डिटेन किया गया है, फिलहाल ये जानकारी मिल पा रही है। लेकिन भीलवाड़ा में तस्कर और नारकोटिक्स विभाग की टीम आमने सामने हो गए। नारकोटिक्स टीम पर फायरिंग भी की तस्करों ने, दोनों तरफ से फायरिंग की बात यहां पर सामने आ रही है। नेशनल हाईवे 758 पर चावड़िया चौराहे के पास की ये घटना बताई जा रही है। हालांकि जैसे इसे लेकर सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। नारकोटिक्स टीम ने पुलिस को भी इस कार्रवाई को लेकर, फायरिंग को लेकर सूचना नहीं दी थी। हालांकि दो तस्करों को डिटेन करने की यहां पर जानकारी मिल रही है। भीलवाड़ा संवाददाता नवीन जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, तस्कर नारकोटिक्स टीम दोनों आमने सामने हो गए, फायरिंग भी हुई, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है इसे लेकर? देखिए श्वेता, ये घटना है भीलवाड़ा कोटा जो राजमार्ग है, इसपे जो सवाईपुर चौकी का जो क्षेत्र बढ़ता बड़िया थाना क्षेत्र, इसमें चावंडिया चौराहे पे फायरिंग की बात सामने आ रही है। पुलिस को भी सूचना नहीं दी नारकोटिक्स विभाग ने, न किसी तरह की कोई जाब्ता मांगा गया, और आमने सामने हो गए। बताया जा रहा है कि तस्कर और नारकोटिक्स विभाग की टीम के आमने सामने होने की बात सामने आ रही है। सूत्रों का दावा है कि फायरिंग जब हुई थी, उस बीच में जो धमाके हुए थे, फायरिंग की जो आवाज हुई थी, उससे एक बार दहशत फैल गई थी क्षेत्र में और लोग एकदम दहशत में आ गए थे। इस बीच जो नारकोटिक्स की टीम थी, वो एक तरह से उन्होंने स्फूर्ति करते हुए दो लोगों को बताया जा रहा है डिटेन किया है, अपने साथ ले गई है, जबकि दो लोग मौके से भागने में फरार हो गए हैं। अभी तक नारकोटिक्स विभाग के जो स्थानीय अमला है, वो इस बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मगर जो बड़िया थाने के प्रभारी है शिवचरण, उनको इस घटना की दोपहर की जो घटना बताई जा रही है, दोपहर के बाद की घटना बताई जा रही है, सूचना मिलने के बाद वो बड़िया थाने से वो मौके पहुंचे, हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को बताया उन्होंने, मगर वो भी इस बारे में कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मगर ये बात तय है, फायरिंग जरूर हुई है, क्योंकि ये जो श्वेता इलाका है बड़ल्यास वाला, ये जो सवाईपुर वाला ये रोड है, ये तस्करों के लिए बड़ा मुखित माना जाता है। एमपी और खासतौर से प्रतापगढ़ सेक्टर के जितने तस्कर हैं, जो मारवाड़ साइड में आप नारकोटिक्स जो अफीम और जिस तरह से मादक पदार्थ की तस्करी करते हैं, उनके लिए मुफीद एरिया माना जाता है। तो ये इस बात की तस्दीक करना तो बाकी है, कौन इस बात को आके सामने आके नारकोटिक्स विभाग का अफसर या कोई पुलिस का अफसर आके कहेगा कहाँ इस तरह की घटना हुई है। मगर अभी तक सब जने इस बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, मगर ये बात तय है फायरिंग जरूर हुई है श्वेता। लेकिन नारकोटिक्स विभाग ने क्या अब तक कुछ भी नहीं कहा, अपने स्तर पर बात सामने नहीं रखी इस पूरी घटना को लेकर? नहीं बिल्कुल श्वेता, उन्होंने इस सब्जेक्ट पे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। अभी वो कुछ भी बोलने से बात से एक तरह से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। ये बात जरूर है कि केंद्रीय नारकोटिक्स आयुक्त की या उपायुक्त की एक गाड़ी दो दिन से भीलवाड़ा शहर में कहीं देखने को मिल रही थी, घूम रही थी, इस बात की भी लोग तस्दीक कर रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं। जो कि जिला आबकारी का जिला नारकोटिक्स विभाग का जो ऑफिस है सत्यम कॉम्प्लेक्स रोड पर, वहां पर गाड़ियां जाप्ता जिस तरह से तैयार था, इसका मतलब कोई ना कोई बड़ी सूचना पुलिस नारकोटिक्स विभाग के पास में थी तस्करी की, उसी को देखते हुए यहां पर ये कोई कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मगर जब तक कोई नारकोटिक्स का अफसर वाला अफसर इस बारे में कुछ बोलने का नहीं, सामने आएगा नहीं, तब तक कह नहीं सकते हैं किस तरह की कार्रवाई हुई है। मगर ये बात तय है कोई ना कोई कार्रवाई कोटा रोड पर, सवाईपुर रोड चावंडिया के बीच में हुई है और फायरिंग की बात भी सामने आ रही है। दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे, एक तरफ तस्कर थे तो दूसरी तरफ नारकोटिक्स विभाग की टीम थी जिनकी फायरिंग हुई है। अब ये बात कोई ना कोई जब तक अफसर आके सामने नहीं कहेगा, ये बात क्लियर नहीं हो पाएगी। बिल्कुल नवीन, अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई क्योंकि सामने आके कोई कुछ कहना नहीं चाहता है। लेकिन नवीन आप नजर बनाकर रखिए, इसे लेकर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।